और खबर बीजापुर से है। इस क्षेत्र के दर्जन भर गांव के लोग दशकों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकारों की उदासीनता के चलते आज तक पुल नहीं बन पाया है। ऐसे में ग्रामीण मानव श्रृंखला बंधवाकर पुल पार करने के लिए विवश है। रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करते ग्रामीण मौत से दो चार हो रहे हैं और कोंगुपल्ली तारलगुड़ा सड़क पर पुल बनाने से कोमटपल्ली मिनकापल्ली सहित नौ गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बारिश के दिनों में नदी के उफान पर रहने से गांव का संपर्क टूट जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गया है। पवन, कितना समय हो गया है कि इस पुल के हाल यूं ही बेहाल हैं? ये ग्रामीण इलाका है जी, दशकों से यहाँ पर ग्रामीण जो है इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन और प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हर साल बारिश में यही हाल वहाँ पर रहता है और लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर नदी को पार करना पड़ता है। और चिंतावागु जो नदी है, बड़े वृहद पैमाने पे पानी वहाँ पर आता है, बाढ़ का पानी आता है। ऐसे में नदी पार करते हुए जान का जोखिम बना होता है। इससे पहले कई जो लोग हैं वो नदी पार करते हुए मर चुके हैं, बावजूद इसके सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ के विधायक कलेक्टर से लगातार वहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी के ई से हमारी जब बात हुई थी, उनका कहना था कि ब्रिज कॉरपोरेशन की तरफ से संभवतः ब्रिज की स्वीकृति हुई है, लेकिन निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है उसकी जानकारी उनको नहीं है। और ब्रिज कॉरपोरेशन के जो ई है किंडो, उनसे हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, वो हमारा फोन उठा नहीं रहे। जी जी पवन, लगभग कितना लंबा रास्ता होगा जो मानव श्रृंखला बनाकर यूं ही तय करना पड़ता है? करीब 70 से 80 मीटर का ये जो पुल का एरिया, वहाँ उनको तय करना पड़ता है। और सबसे बड़ी खतरे की बात ये होती है कि उस नदी पे अचानक से पानी बढ़ जाता है जब लोग मानव श्रृंखला बनाकर वहाँ नदी पार कर रहे हैं। पवन, इसके अलावा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जी नहीं, जो बाकी रास्ते हैं वो पहाड़ी तरफ से होते हुए जाते हैं। ये मुख्य रास्ता है जो बारिश के अलावा बाकी इसी पर आना जाना होता है। और रोजमर्रा की जो जिंदगी है, लगभग 10 गांव के लोगों का, 10,000 से ज्यादा लोगों का, वो इसी सड़क से उनकी जो रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी वो चलती है। ऐसे में बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, जहाँ जान जोखिम में डालकर उनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। और अधिकारी और प्रशासन सरकार 7 दशक बाद भी उदासीन नजर आते हैं। पवन, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में विधायक जुड़ गए हैं, विक्रम मंडावी। विक्रम मंडावी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद जी। सर, बीजापुर से मामला सामने आया है जहां पर पुल बनाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। जो तस्वीरें आई हैं वो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि मानव श्रृंखला बनाकर लोग पुल पार करने को नौबत आ गई है उनकी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? दो दिन पहले इसमें सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जी। उसमें बस यही है कि लंबे समय से वहाँ पर ग्रामीण मांग कर रहे थे पुलिया का जी। और मैं भी जब दौरे पे गया था तब मुझसे भी ग्रामीणों ने मांग किया था जी। और कुछ उस बात को मैंने प्रशासन तक पहुँचाया, शासन तक पहुँचाया। कुछ दिनों में ही वहाँ पर जैसे खत्म हो जाएगा, मैं प्रशासन के माध्यम से उसको पुलिया को सूचित करवाकर वहाँ जल्द पुलिया निर्माण करने का कोशिश करूंगा जी। विक्रम जी, कई सारे लोगों की इसको पार करते समय मौत भी हो चुकी, तो आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू होना चाहिए? आपने कहा कि होगा जल्द से जल्द, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, पर फिर भी कितना समय लगेगा? नहीं, जब बहुत लंबे समय से यहाँ पर मांग चल रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, और बहुत जल्द इसको होगा। और ग्रामीणों भी लंबे समय से मांग कर रहे थे जल्द बनना भी चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं रायपुर जाकर विभागीय मंत्री जी से मिलकर इस पुलिया को सूचित कराकर जल्द से जल्द वहाँ निर्माण काम करवाने का। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इतना समय हो चुका है, आपने खुद कहा कि काफी लंबे समय से वहाँ के रहवासी मांग कर रहे थे, अभी तक नहीं बन पाए, इसके पीछे आप किसकी लापरवाही मानते हैं? निश्चित तौर पर मुझे बनता और सरकार भी आकर 1.5 वर्ष हुआ है, इससे पूर्व 15 साल सरकार था, उस पीरियड में बनना था लेकिन वो नहीं बन पाया उस समय के विधायक और सरकार की उदासीनता की वजह से। और इस बार मैं आप आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय निश्चित तौर हमारे समय में जरूर पुलिया हम मतलब बनेगा जी। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा इस पुल का निर्माण जरूर किया जाएगा। तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।